होता है ये? नहीं देखिए, उनको सीने में दर्द की शिकायत है या नहीं इस तरह की कोई खबर नहीं आई थी। उनके डॉक्टर कृपलानी से जो मेरी बात हुई थी उनके हिसाब से कि मिस्टर चैपल को रूटीन चेकअप के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल लाया गया है। उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन या दूसरे जो भी कॉमन इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सब कर रहे हैं। मिस्टर चैपल बॉम्बे हॉस्पिटल से चले जाएंगे, उनको अभी एडमिट नहीं किया गया, उनके जनरल चेकअप चल रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर तिवारी, किस तरह के टेस्ट उन पर किए जा रहे हैं इस वक्त? जो रूटीन आते हैं ब्लड का होता है, लीवर प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, जो जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो एक्जीक्यूटिव चेकअप में इंक्लूड होते हैं वो सारे टेस्ट हो रहे हैं उनके। डॉक्टर तिवारी से भी जानना चाहेंगे, कोई हिस्ट्री है चैपल की कि उन्हें किसी तरह की दिल की शिकायत रही हो, किसी तरह की मेडिकल हिस्ट्री है उनकी? नहीं, क्योंकि उनके डॉक्टर जो कंसल्टेंट उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डॉक्टर कृपलानी है, तो डॉक्टर कृपलानी बेटर डिटेल दे पाएंगे। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन ये है कि मिस्टर चैपल को बॉम्बे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाया गया है, उनके चेकअप अभी चल रहे हैं और उम्मीद है कि थोड़ी देर में सब कंप्लीट होने के बाद वे यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर तिवारी, क्या अगर एक रूटीन चेकअप होता है डेढ़ घंटे तक सारे टेस्ट किए जाते हैं हर मरीज पर? हाँ जी, रूटीन चेकअप जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें कभी कभी 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो 2-3 घंटे भी आमतौर पे तो लगते ही हैं। जो ग्रेग चैपल ने शिकायत की थी, क्या वो सीने में दर्द की थी या उनको पेट में कुछ तकलीफ थी? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। डॉक्टर तिवारी आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो सीने में दर्द की थी या उन्हें पेट में कुछ तकलीफ थी? नहीं, इस तरह की कोई भी उनकी अभी कंप्लेंट मालूम नहीं पड़ी है। हमें जो अपडेट मिला है उनके डॉक्टर से वो यही है कि उनको शिकायत कुछ नहीं थी, वो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए। ये थे मुंबई से बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर, डॉक्टर आशीष तिवारी, बता रहे थे कि भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन पर सारे टेस्ट अभी किए जा रहे हैं, अभी कोई भी खुलकर ये नहीं बता रहा है कि क्या शिकायत है उनको। कुछ ही देर में जब सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी लेंगे